बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी स्टीवियो में हूँ। 14 अगस्त 2019 का दिन है ये, और लोग सारे यहाँ पे जो भरे हुए हैं, पुलिस वाले भी आए हुए हैं ट्रैफिक कंट्रोल करने, ट्रैफिक पुलिस भी हैं, मन चले आए हुए हैं यहाँ पे जश्न आज़ादी मनाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, दोस्त आ रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, सब यहाँ पे पाकिस्तान के कौमी दिन को मनाने के लिए आ रहे हैं। टीचर्स टी में भी बहुत रश है, और यहाँ रोड पे भी काफ़ी रश है। लोग तरह तरह की गाड़ियों में आ रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं, रिक्शों में आ रहे हैं, और कुछ जो फैमिली के साथ गाड़ियों में आ रहे हैं, पोस्टर्स भर भर के आ रही है। लेकिन ट्रैफिक वाले भी मौजूद हैं, ट्रैफिक की रवानी को मुतासर ना हो जाए उसके लिए जगह जगह खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी है, पीछे भी थे, आगे 3-4 हमारे वार्डन खड़े हुए जो कि आज छुट्टी वाले दिन अपने काम बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। पीछे अगर आप समंदरी साइड देखेंगे, वहाँ मैं अभी आपको लेके चलूँगा, तो वहाँ जो सीन है वो अलग तरीके के हैं। वहाँ फैमिलीज भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, लोग अपनी गाड़ियाँ उतार के वहाँ आए हुए हैं, और यकीनन यहाँ पे बहुत अच्छा जो सीन हो रहा है। ट्रैफिक वाले शायरियों से कह रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी में खलल मत बने और ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना होने दें। लेकिन जो लोग हैं, लोगों का रश इतना है जैसे लग रहा है सारा कराची आज सीवीओ आ गया है। और यहाँ पे 14 अगस्त की खुशियाँ मनाने के लिए कई लोगों के पास पाकिस्तानी झंडे हैं, कुछ के पास कश्मीर के परचम हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि इस दफ़ा कश्मीर के दिन के तौर पे मनाएगा, तो लोगों के पास कश्मीर के झंडे भी हैं। और सारे यहाँ पे आए हुए हैं मनाने के लिए, आए हुए हैं इस दिन को, खुशी के दिन मनाने के लिए आए हुए हैं जिस दिन हमें आज़ादी मिली है, और हिंदू बुनिए से जो कि हिंदुत्व के अलमबरदार हैं उनसे हमें आज़ादी मिले, एक अलग कौम मिला है। आज अगर ये आज़ादी है, ये हमारे मुहाफ़िज़ हमारे पास आज़ादी के बदौलत है। अगर ये आज़ादी ना होती तो आज हमारा भी हाल वैसे ही होता जैसे कश्मीर में मुसलमानों का हाल है। और यकीनन ये खुशी का दिन है आज।